नमस्कार दोस्तों, जय मां लक्ष्मी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आप लोगों को बड़ा खास सावधानी मिलने वाली है। आर्थिक रूप से आपका दिन काफ़ी ठीक ठाक रहने वाला है। आप लोगों की कड़ी मेहनत सफलता को कुछ इस तरह आकर्षित कर रही है, जैसे दोस्तों आप लोगों को कुछ खास उपलब्धियाँ मिलने वाली हैं। दोस्तों, इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि आज आपका 24 घंटे का महाराशिफल कैसा रहने वाला है। दोस्तों, चलिए जानते हैं बिना देरी के हुए ये समय आपके लिए कैसा रहेगा। इसमें दोस्तों कैसी स्थितियों का निर्माण होने वाला है, ग्रह की स्थिति कैसी रहेगी, क्या क्या बड़े योग बनेंगे और इन सभी का असर आपकी राशि पर क्या होने वाला है। इसके साथ ही साथ जानेंगे कि इस दिन आप लोगों को कौन सी बड़ी उपलब्धियाँ मिलने वाली हैं, कितने दोस्तों भाग्य आप लोगों का साथ में रहने वाला है और किस तरह से दोस्तों आप लोग प्लान करके चलें ताकि आपका समय बना रहे। सबसे खास और बेहतर चीज़ बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आज हम आप लोगों को ग्रह नक्षत्र और पंचांग के बारे में कुछ खास चीज़ें बता दें। दोस्तों, बता दें कि आप लोगों के जीवन में बड़ी उपलब्धियाँ मिली हैं, महार सिद्धि योग का निर्माण भी हो रहा है, इसलिए थोड़ा संभल कर रहें। तो चलिए दोस्तों, अब बिना देरी किए हुए बात करते हैं आपके राशि के महाराशि फल के बारे में। ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि के आधार पर है। दोस्तों, अगले 24 घंटे में कुछ बड़े खतरनाक लोग आपको सभी प्रकार के लोगों में आमदनी देने वाले हैं। दोस्तों, आपको कुछ खास अनुभव होने वाला है। ये अनुभव हो सकता है आपको कि आप भी किसी से कम नहीं हैं। याद रखें, आपके हौसले को बढ़ावा मिल सकता है, आपका हौसला बुलंद हो सकता है। दोस्तों, कोई यदि कोर्ट से जुड़ा हुआ आप यदि कार्य करते हैं, रेस्टोरेंट ढाबा इत्यादि चलाते हैं, तो इस समय दोस्तों आप लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है। आपको इस बात पर ज़रा ध्यान देने की आवश्यकता है कि आपको अपने स्टाफ के कर्मचारियों पर थोड़ा सा जो है नज़र बनाए रखनी होगी, नहीं तो दोस्तों आपकी थोड़ी सी लापरवाही आप लोगों को बड़ा नुकसान करवा सकती है, तो इस बात का ज़रा ध्यान आप लोगों को रखना होगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों, आप सभी को बताना चाहेंगे कि जो लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, उन लोगों के लिए आज का दिन बेहद ही खास होने वाला है। आज आप लोगों को अनेकों प्रकार से धन कमाने का मौका मिल सकता है। सितारे कहते हैं कि यात्रा के भी काफ़ी हद तक योग हैं, जो आप लोगों को लंबी यात्रा करनी पड़ सकती है। इसके साथ ही साथ यात्रा भी आप लोगों के लिए सफल रहने वाली है। दोस्तों, अनजान व्यक्ति से थोड़ा सा सावधान रहें। कुल मिलाकर के समय आप लोगों के लिए बहुत ही खास रहने वाला है। इसके साथ ही साथ सितारे भी ये कहते हैं कि कोई नया कार्य शुरू करने के लिए आज का दिन आप लोगों के लिए विशेष रूप से बेहतर रहेगा। यदि आप अपनी नौकरी या फिर करियर में कोई नया बदलाव संबंधी करने के बारे में सोच रहे हैं, तो दोस्तों आज से अच्छा दिन आप लोगों को नहीं मिलेगा। यदि दोस्तों आप लोगों को उसमें कोई भी जोखिम लगता भी है, तो भी दोस्तों आप एक मौका ज़रूर लें और सब कुछ आप लोग जैसे आप चाहते हैं बिल्कुल वैसे ही होने की पूरी संभावनाएं बनती हुई नज़र आ रही हैं। दोस्तों, इसके साथ ही साथ सितारे ये भी कहते हैं कि अब समय आ चुका है कि आप लोग अपने पार्टनर के साथ में बैठकर के उन मुद्दों को सुलझाने जो अभी हाल फिलहाल दोनों को परेशान करते आ रही हैं। ये बात दोस्तों आप लोगों की भावना और एक दूसरे के प्रति समर्पण को लेकर के हो सकती हैं। यह सामान्य से दिखने वाले दोस्तों घरेलू विद्रोह के बारे में भी हो सकती है, जिससे आप दोनों नज़रअंदाज करने की गलती कर रहे हैं। सच बात तो दोस्तों ये है कि आप दोनों को ही मिल करके कोई खास कदम उठाने की आवश्यकता है, तभी आप उसमें काफ़ी हद तक सफल रहेंगे। याद रखें दोस्तों, कोई भी अगर कड़वाहट एक दूसरे के लिए है, तो दोनों मिल करके उसको सुलझाने का कार्य करें, तो ये आपके लिए काफ़ी बेहतर रहने वाला है। इसके साथ ही साथ सितारे ये भी कहते हैं कि आज आप लोग बहुत ही प्यार और खुशी का मौका मिलेगा, जो आप अपने कार्य क्षेत्र में महसूस करते आ रहे थे। भारी दबाव और काम के बोझ की वजह से वह खुशी दोस्तों कहीं ना कहीं दब सी गई थी, पर एक खुशनुमा पल आप लोगों को यह भी एहसास कराएगा, क्योंकि दोस्तों आप अपने कार्य क्षेत्र में चुने हुए थे और दोस्तों ये आखिरकार क्यों आप पर इतना जचते हैं। याद रखें, अपने कार्य क्षेत्र में आप अपना रवैया बदलने के लिए अति उत्तम रहने वाले हैं। दोस्तों, आप जिस भी क्षेत्र से कार्य कर रहे हैं, उसमें आप लोगों को लाभ यदि नहीं हो रहा है, कुछ बदलाव नहीं हो रहा है, तो आपको उसमें बदलाव करने की आवश्यकता रहने वाली है, ना कि उसे छोड़ने की। क्योंकि दोस्तों, आप सभी को बता दें कि पेड़ हमेशा पत्ते ही बदलते हैं, लेकिन शाखाएं नहीं। इसलिए आप लोगों को काम से जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। याद रखें, उन काम को करने का जो ढंग है, थोड़ा तरीका है, उसको आप लोगों को थोड़ा सा संभल कर रहने की आवश्यकता रहने वाली है।
कुल मिला के ये समय आप लोगों के लिए काफ़ी खास रहेगा। लेकिन दोस्तों ऐसी आवश्यकता हो सकती है कि छोटी सी बात के बारे में आप थोड़ा सोच विचार करके परेशान हो सकते हैं। ऐसा सोचना काफ़ी प्राकृतिक है, लेकिन इससे आपके घर और कार्यस्थल की शांति और कार्य की गति भी प्रभावित हो सकती है। इस समय आप अपने लक्ष्य को जो है सोच समझ के छोटी मोटी बातों को आप नज़रअंदाज कर सकते हैं। जीवन में दोस्तों यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज करना ही आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। वहीं दोस्तों आपके लिए जो ये समय रहने वाला है, अब समय दोस्तों आ चुका है कि आप अपना एक कदम पीछे हट करके शांति से आप अपने संबंध को तर की कसौटी पर रखें और आप अपने पार्टनर के बारे में मिली हुई किसी भी सूचना को नज़रअंदाज करते हुए आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये जान लें कि ऐसा करने से उसकी अहमियत या फिर प्रभाव खत्म नहीं होगा। दोस्तों आप अपने संबंध के बारे में विश्लेषण करते हुए आप लोग अपनी खास चीज़ों पर ध्यान रखें। इस समय पर दोस्तों कुछ कठोर फैसले भी आप लोगों को लेने पड़ सकते हैं, जो आने वाले भविष्य के लिए आप लोगों के लिए बेहतर रहने वाला है। इसके साथ ही साथ दोस्तों कार्य क्षेत्र में भी नई उपलब्धियाँ आप लोगों को मिलने वाली है। संतान पक्ष की तरफ से कुछ खास चीज़ें मिलेंगी जो आप लोगों के लिए बहुत खास और महत्वपूर्ण रहेगा। वहीं दोस्तों आपके लिए जो समय रहेगा, आपके करियर और बिजनेस के लिए जो समय रहेगा, आपके कार्यस्थल पर आप पर कुछ घमंड में दोस्तों आप अपनी उपलब्धियों को गिना सकता है। लेकिन दोस्तों आप लोग बुरा ना माने, क्योंकि वह आप लोगों को बुरा महसूस करवाना चाहता है। दूसरों की बातों में आकर के आप लोगों को ज़्यादा नहीं लगना है। लोग आपको भड़काएंगे और गिराने की कोशिश भी कर सकते हैं, लेकिन दूसरों की बातों में आपको नहीं चलना है। अपने एक ही अनुपात में आप लोगों को पहले ही उन उपलब्धियों को छुपा लें। वित्तीय खर्चों पर भी आप लोगों को पहले ही उसकी ज़रूरत या फिर उससे ज़्यादा ही आप लोगों को मिला है, जिससे दोस्तों आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। धन में इस समय आपकी बढ़ोतरी होने वाली है, जो कि साथ साथ आपके खर्चे भी कहीं ना कहीं बढ़ा सकती है। आपको इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि खर्च आपको ज़रूरत के हिसाब से ही करना है, और कुछ धन भविष्य के लिए भी संचय कर करके रखना आपके लिए खास रहेगा, जो दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। ऐसी दोस्तों एक ही चीज़ याद रखें कि पैसा यही कहता है, मुझे आज बचा लो मैं तुम्हें कल बचा लूँगा। फिर पैसा कहता है कि मैं भले ही तुम्हारे साथ में ऊपर तक नहीं जाऊँगा, लेकिन जब तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा मैं दुनिया से सबसे ऊपर आपको लेकर जाऊँगा। आप इस समय में वाणी की थोड़ी सी मधुरता के कारण आप लोगों को अपने नए मित्रों की संख्या में बढ़ोतरी करने का मौका मिलेगा। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, ये सावधानी की बात है कि आप लोगों को नई खरीदारी करने से आप बहुत ही ज़्यादा खुश रहने वाले हैं, लेकिन इन खुशी के चलते हुए दोस्तों आप लोगों को आप लोगों की राहत बहुत जल्दी तेज़ बढ़ती हुई नज़र आने वाली है, जिसके कारण दोस्तों आप लोगों के साथ में कोई बड़ी दुर्घटना होने की भी संभावना होती हुई नज़र आ रही है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके साथ ही साथ संतान जो है वह आपके साथ में परिवार के साथ में परिवार के सभी लोग आप लोगों के साथ में काफ़ी खरा उतरने वाले हैं। इस समय दोस्तों आप लोगों को नए कार्यों के प्रति थोड़ा सा सजग रहने की आवश्यकता है। यदि कोई कार्य करते हैं आप, उसमें यदि आप निवेश करते हैं तो घाटे की स्थिति बन रही है, इसलिए थोड़ा बचकर रहें। दिक्कतों से दिल छोटा ना करें, प्रेम जीवन की डोर को मजबूत बनाकर रखें। किसी तीसरे की बातों को सुनकर के दोस्तों अपने प्रेमी के बारे में कोई भी राय ना बनाएं। भागीदार आपकी योजनाओं पर और व्यवसायिक ख्यालों के प्रति उत्साहित हो सकते हैं। आप अपने लिए वक्त निकालकर अपने जीवन साथी के साथ में आप कहीं घूमने जा सकते हैं। हालांकि इस दौरान आप दोनों के बीच में थोड़ी बहुत कहासुनी हो सकती है। रिश्तेदारों के चलते जीवन साथी से वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, लेकिन आखिर में सब सही हो जाएगा। अभी आप भौतिक सुख, सोशल और कला की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। परिवार के साथ में घूमने और भोजन का मजा लेने के लिए अपने बजट को संतुलित रखें। प्रभावी बातचीत का मतलब है समझदारी से बोलना और ध्यान से उसे सुनना। इसके लिए सुनिश्चित तरीके से आप अपने रिश्ते में ये दोनों कर रहे हैं। आप अपने घर के बुजुर्गों के साथ में समय बिता सकते हैं, क्योंकि उन्हें भी आपके इसने ध्यान और समय की आवश्यकता है। ऑफिस के साथ साथ में घर के कामों के लिए भी आपको वक्त निकालना है। अपने कामों के प्रति जिम्मेदार रहें, इसे आप अपने प्रियजनों का विश्वास जीत पाएंगे। असफल होना जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो आप लोगों को दोस्तों नए कार्यों के प्रति आगे बढ़ाता है।
तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको राशिफल अच्छा लगा होगा। चैनल में यदि आपको कुछ नया देखने को मिला हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दैनिक राशिफल के लिए, प्रत्येक दिन के राशिफल के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।